अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा अचानक पीजी विषयों के एग्जाम स्थगित करने एवं विधि परीक्षाओं के परीक्षा फार्म अभी तक नहीं भरे जाने के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। सत्रह मई को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से अचानक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके पीजी के तीन विषयों हिंदी, साहित्य, इतिहास, भूगोल की परीक्षा स्थगित कर दी गई, जबकि 18 मई को सुबह 7 बजे से इनकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। नियंत्रक ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर परीक्षा स्थगित की और जो सरासर गलत है। इसे जिले में हजारों विद्यार्थियों को नुकसान हुआ। विद्यार्थियों का कहना था अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के एग्जाम करवाने की पूरी तैयारी नहीं थी तो टाइम टेबल जारी नहीं किया जाना चाहिए था, और अब इस मौके पर अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर परीक्षा स्थगित कर दी गई। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं को मजाक बनाकर रख दिया है। साथ ही अभी तक विधि के विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा के एग्जाम फार्म तक नहीं भरवाए गए, जबकि प्रदेश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों में एग्जाम फार्म भरवा दिए गए हैं और परीक्षा का एग्जाम टाइम टेबल भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं अलवर में अभी तक विधि विद्यालयों की कोई चिंता नहीं की गई। उनका कहना था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि एग्जाम स्थगित करने के मामले में परीक्षा नियंत्रक पर तुरंत कार्यवाही की जाए और विधि के विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षाओं के परीक्षा फार्म भरवाए जाए। यदि इन दिनों में मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो एबीवीपी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। अगर वो आज शाम को या फिर कल तक हम लोगों से नहीं मिलते तो विश्वविद्यालय गेट पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, और जब तक हम लोगों को सही जवाबदेही नहीं मिल जाती तब तक विद्यार्थी परिषद उग्र विरोध। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि 10 दिन के अंदर अंदर विश्वविद्यालय द्वारा जो इन्होंने एग्जाम जो है निरस्त किया है उसकी डेट जारी कर दी जाए। क्लासेस के एग्जाम एन वक्त पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंसिल किए हैं, उसके विरोध में आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, हमको वहाँ ना कुलपति मिले, ना परीक्षा नियंत्रक महोदय मिले। सूचना मिली कि बॉम की मीटिंग निजी होटल में की जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ लगभग एक घंटा प्रदर्शन के बाद यहाँ बॉम की जिस होटल में मीटिंग की जा रही है उस मीटिंग में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आकर उनसे मिलने के लिए जब समय मांगा तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कुलपति महोदय ने समय देने से इनकार कर दिया और बॉम की मीटिंग का हवाला देकर के ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया।